भारत के वो टूरिस्ट प्लेस जहाँ चारा मतलब बड़े खतरे से सामना। दोस्तों, अपना देश खूबसूरती से भरा हुआ है। यहाँ कई जगह तो ऐसी हैं जिनको पार से भी लोग देखने आते हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। लेकिन कुछ जगहों पे खूबसूरती के साथ साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अपने देश में कुछ ऐसी जगह है जो बाहर से देखने में तो बेहद ही शानदार नजर आती हैं, पर वहाँ के हालात और बनावट ऐसी है जो सीधे मौत को दावत देती हैं। आज इस वीडियो में हम भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहाँ जाने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा, क्योंकि इन जगहों पर आप चले तो अपनी मर्जी से जाएंगे पर लौटने की कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पुक्ताल मोनेस्ट्री, लद्दाख। लद्दाख के साउथ ईस्टर्न में स्थित पुक्ताल मठ या पुक्ताल गोम्पा अपनी अद्भुत बनावट और सुंदरता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय भाषा में फुक का मतलब होता है गुफा और ताल का मतलब होता है आराम के क्षण। लगभग 2000 साल से भी अधिक इस प्राचीन मठ को बौद्ध भिक्षुओं, संतों और विद्वानों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ये उनके ध्यान करने, सीखने और एंजॉय करने की जगह थी। एक चट्टान के ऊपर प्राकृतिक गुफा के मुहाने पर स्थित ये मोनेस्ट्री दूर से एक छत्ते की तरह दिखाई देती है। कोई भी मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन सोर्स आपको यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। यहाँ तो आपको अपने पैरों की मदद से ही पहुँचना होता है। यही वजह है कि वैसे तो यहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी तरह आप पहुँच भी गए तो अपने खाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होगा। स्थानीय लोगों के लिए तो यहाँ चले आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसी माहौल में पले बड़े होते हैं, उनको यहाँ की सारी जानकारी होती है। लेकिन एक टूरिस्ट के लिए जगह किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं मानी जाती। अगर थोड़ा सा भी कदम डगमगाया तो बचना ना के बराबर समझिए। दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि आप बिना किसी स्थानीय व्यक्ति के यहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है, वरना आपको एडवेंचर काफी भारी पड़ सकता है। प्रबलगढ़ दुर्ग। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पनवेल और माथेरान के बीच स्थित प्रबलगढ़ दुर्ग अपनी खतरनाक चढ़ाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे कलावंती दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला एक 2300 फीट की खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। पकड़ने के लिए न रस्सी है न रेलिंग, जरा सी चूक आपको सीधे हजारों फीट की गहरी खाई में गिरा सकती है। इस पूरी जगह के आसपास का एरिया काफी कठिन है, इसलिए दोस्तों शाम ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सुविधा ना होने के कारण कंडीशन और खराब हो जाती है। बहुत सालों पहले यह किला मुरंजन और प्रभागढ़ के नाम से भी जाना जाता था। बाद में शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर कलावंती दुर्ग रख दिया। इस किले से मुंबई शहर भी साफ साफ नजर आता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि यहाँ की फिसलन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। डुमास तट, गुजरात। डुमास तट अरब सागर के किनारे गुजरात में स्थित है। ये तट अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ सताई और भटकी हुई आत्माएं अंधेरा ढलने के बाद डुमास तट पर भटकती हैं। आप इस तट पर अकेले टहलते हुए भी लोगों की फुसफुसाहट और आवाजें सुन सकते हैं। कई लोगों ने तो इन आवाजों को साफ साफ सुनने का दावा भी किया है। हालांकि इस बात का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला है, पर इन दावों ने इस जगह के रहस्य और भयावहता को काफी गंभीर बना दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। अगर आप भी इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थार रेगिस्तान, राजस्थान। चलिए अब गुजरात की काली रेत से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के मशहूर रेगिस्तान में। वैसे दूर से तो थार रेगिस्तान का नजारा काफी शानदार और खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब इस जगह को आप करीब से देखेंगे तब सच्चाई सामने आती है, क्योंकि यहाँ कई जहरीले सांपों का चमावड़ा होता है। साथ ही यहाँ भयानक रेतीले अंधड़ भी आते रहते हैं। दोस्तों, इस सूखी और अत्यधिक गर्म जगह पर लार्ज रेड स्नेक, ब्लैक कोबरा और सैंड बॉय जैसे विषैले सांप कभी भी आदमक सकते हैं। आप वैसे तो डिजर्ट को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस अपने आप में काफी यूनिक होता है, लेकिन रेत के नीचे छुपे इन खतरनाक जानवरों से अगर सामना हो जाए तो फिर यकीनन आप भी यहाँ जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको भी इस रेतीले स्थान का लुत्फ उठाने का मन है तो इन सांपों से एक लंबी दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि इसके जहर से बचना नामुमकिन ही है। बस्तर, छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ प्रांत का एक जिला है। प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत
और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर बस्तर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। एक वक्त था जब यह अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था, पर अब यह इलाका नक्सलियों का मेन पॉइंट बन चुका है। आप इस जगह के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक दशक में यहाँ होने वाले नक्सली हमलों की वजह से 150 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। असल में यहाँ के जंगल काफी घने हैं और दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आती, जो खतरे को और बढ़ा देते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि यहाँ घूमने का प्लान एक आत्मघाती कदम हो सकता है। सिजू मेघालय। मेघालय में स्थित सिजू अपनी रहस्यमयी गुफाओं और दुनिया में सबसे खतरनाक झूलते पुल के लिए भी जाना जाता है। चकरा देने वाली दो अत्यधिक ऊंची चोटियों के मध्य स्थित ये पुल लकड़ी और रस्सियों से बना है और अच्छे अच्छे भी इस पर चढ़ने का साहस नहीं जुड़ा पाते। इन खतरनाक झूलते पुलों को देखकर कोई भी इंसान चौंक जाएगा। अपर सिजू और लोअर सिजू गांव के बीच सोमेश्वर नदी के तट पर यहाँ एक सिजू गुफा सिजू है, जिसे स्थानीय लोग डोबा खोल के नाम से जानते हैं। डोबा खोल का स्थानीय भाषा में अर्थ है चमगादड़ों की गुफा। सिजू गुफा के अंदर अच्छी खासी संख्या में चमगादड़ देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में काफी भयानक लगते हैं। और इस जगह इतनी फिसलन है कि अगर आपसे एक छोटी सी चूक हुई तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ की रहस्यमय गुफाओं के कई किस्से आपको सुनने को मिलते हैं। अगर आपके पास भी इस जगह से जुड़ी कोई अद्भुत और नई जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। पंबन पुल, तमिलनाडु। हम सभी ने ट्रेन का सफर का आनंद तो जरूर लिया होगा, कई बार तो खिड़की वाली सीट पर बैठने की जिद भी की होगी ताकि बाहर के नजारे का लुत्फ उठाया जा सके। मगर जब इस रेलवे पुल से ट्रेन गुजरती है तो बड़े बड़े दिग्गज भी सांस थाम कर बैठ जाते हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके लिए आंखें मूंद कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि भीषण दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, और इसीलिए शायद इसे भारत का सबसे खतरनाक पुल कहा जाता है। रोमांच के दीवानों के लिए पावन पुल से होकर गुजरना जीवन भर के लिए एक यादगार अनुभव होता है। ये पुल काफी अलग और निराला है। तमिलनाडु में स्थित ये भारत का ऐसा पुल है जो समुद्र के ऊपर बना है और साथ ही प्रकृति की खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। यूं कह सकते हैं कि यह प्रकृति और तकनीक का बेजोड़ मेल है। लेकिन इस पुल पर समुद्री लहरों और तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए यहां से गुजरना अपने आप में किसी बड़े खतरे को मोल लेना से कम नहीं है। स्तोक कांगड़ी मार्ग, लद्दाख। स्तोक कांगड़ी मार्ग भारत के सबसे जाने माने कठिन मार्गों में से एक है। 6100 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस मार्ग में आपको हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ लोग घबराकर बीच रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। बता दें कि इस जगह पर आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से खतरा और भी बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ बेहद ही खतरनाक ग्लेशियर और नदियों का काफी तेज बहाव है, जिसके कारण ये जगह काफी भयानक मानी जाती है। वैसे अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो लद्दाख के खतरनाक एडवेंचर को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चंबल घाटी। आप सबने डाकुओं की तो कई कहानियां सुनी होंगी, और अगर डाकुओं का जिक्र होता है तो चंबल की घाटी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाकुओं की सबसे बड़ी शरण स्थली चंबल की घाटी मानी जाती है। यहाँ की बेहद खतरनाक बीहड़ और इसमें बिछी हुई कटीली झाड़ियाँ काफी भयानक लगती हैं, और यहाँ आपको कई गुफाएं भी देखने को मिल सकती हैं जो अपने आप में कई राज दफन किए हुए हैं। मूलतः यमुना की मुख्य सहायक नदियों के तौर पर पहचानी जाने वाली चंबल की शुरुआत विंध्याचल की पहाड़ियों से मऊ शहर के पास से होती है, फिर वहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होती हुई ये वापस मध्य प्रदेश आती है और अंत में उत्तर प्रदेश के जालौन में ही यमुना में मिल जाती है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद से यहाँ डाकुओं का खौफ पहले से तो जरूर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हो गया ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ के रहस्य को जानने के लिए बेताब हैं और जाना चाहते हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि डाकुओं के डर के अलावा यहाँ के मगरमच्छ भी बेहद खतरनाक होते हैं। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, जो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। यहाँ केवल गर्मियों के कुछ महीनों में ही जाया जा सकता है। अगर आपको सांस से जुड़ी समस्या है तो भूल कर भी यहाँ जाने की ना सोचें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऐसे में छोटी सी गलती भी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए उम्रदराज लोगों को तो यहाँ जाने की सख्त मनाही है। वहीं दूसरी ओर पूरे रास्ते जबरन ठंड का प्रकोप भी रहता है। वैसे इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात शिव भगवान का वास है। आप भी अगर इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ जानते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।